शिवपुरी बस स्टैंड पर दबंगों का कब्जा, हाल और प्रतीक्षालय पर डाला ताला, स्थायी रूप से कंडम बसों को किया परमानेंट खड़ा, सुंदरता को लगा ग्रहण। शिवपुरी पोहरी रोड पर स्थित नवीन बस स्टैंड शिवपुरी के परिसर में कंडम बसों के कारण गंदगी और अव्यवस्था फैलने के कारण बसों को हटाने की मांग बस स्टैंड में ठेकेदारों ने की है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार जयसिंह रावत ने बताया कि हमेशा बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण और व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया जाता है। बस स्टैंड से ग्वालियर कोटा की ओर चलने वाली बसों के लगने के स्थान पर कुछ प्रभावशाली बस ऑपरेटरों ने अपनी कंडम बसों के बीच परिसर में स्थायी रूप से अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, जिस कारण परिसर में उन बसों के नीचे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस कारण इस जगह पर सफाई आदि काम नहीं हो पाते हैं। लोगों को कई बार बसें उठाने के लिए मौखिक रूप से कहा गया है, लेकिन ये लोग जबरन ही जगह पर कब्जा किए हुए हैं। साथ ही कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यात्री प्रतीक्षालय के लिए बने कमरों और हॉल आदि पर अवैध रूप से कब्जा कर स्वयं का ताला लगाकर रात्रि के समय अनैतिक कार्य किए जाते हैं, जिससे आने जाने वाले यात्रियों में भय का वातावरण निर्मित हो रहा है और शिवपुरी की छवि धूमिल हो रही है। जल्द ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी और यातायात प्रभारी से समस्या का निराकरण करने की मांग ठेकेदारों के द्वारा उठाई गई है। क्या नाम है भैया आपका? जय सिंह रावत नाम है। तो भैया क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या, मैं बस स्टैंड का ठेकेदार हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठेका मिला है मेरे को पिछले साल का, अब साल में मेरे पास ही है। यहाँ कुछ बस ऑपरेटर ने कब्जा कर रखा है, यहाँ जो बसें लगती हैं उस जगह पर उन्होंने अपनी पुरानी बसों कंडम बसों खड़ा कर रखा है, और ना तो उनका शुल्क देते हैं और उनके अंदर गंदगी हो रही है बहुत सारी। तो कबाड़ी की स्थिति है, मैंने नगर पालिका से और सीएमओ साहब को आवेदन दिया है कि इन गाड़ियों को यहाँ से हटाकर वो कार्रवाई की जाए। और कुछ कमरे बने हुए हैं नगर पालिका के, यहाँ पर हॉल हैं, उनमें कुछ बसों ने अपना अस्थायी तौर पर कब्जा कर रखा है। उसमें टायर वगैरह जो भी उनका कबाड़ा निकलता है वो उसमें जमा करके कब्जा कर रखा है। तो क्यों कर रहे हैं ये कब्जा? अब ये लोग ध्यान नहीं देते नगर पालिका ने, मैंने एक दो बार बोला है उन लोगों को, तो उन्होंने खाली नहीं किया, बोले आप कर देंगे। भाई उसका आप जो शुल्क बनाया हुआ है वो तो शुल्क जमा करे नगर पालिका वाले ने, तो आराम से रखें उसमें। आपने शिकायत की थी? हाँ, मैंने आज शिकायत की है नगर पालिका। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कार्रवाई करें, गाड़ियों को हटाएं, अपनी खुद की जगह में रखें, वो गाड़ी यहाँ रखते हैं बस स्टैंड में। तो ये कब से कर रहे हैं मतलब ऐसा? वो तो पिछले जब से बस स्टैंड बना तब से कब्जा ही है उन लोगों का, गाड़ियाँ जो परमानेंट रखी हुई हैं। तो मेरा आग्रह है सर नगर पालिका सीएमओ को कि उनको हटाया जाए।